हेलो एवरीवन दिस इज मनीस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन फोर यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा चार के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें तो सबसे पहले तो ये है कम्युनिकेशन विन कंप्लीट यानी कि कब जो है संसूचना संपूर्ण मानी जाएगी यानी कि कब संचू जो सूचना है संसूचना है वो कब संपूर्ण हो जाती है तो धारा चार के अंतर्गत क्या चीज़ें लिखा हुआ ये समझिए द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू हुम इज इट इज मेड द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीटेड ठीक है अभी क्या है कि वहां पे यह समझना जरूरी है कि ये तब कंप्लीट हो जाएगी जब जो व्यक्ति प्रस्थापना कर रहा है यानी कि एक एग्जाम्पल समझते हैं जैसे कि मान लीजिए ए है और ये बी है ठीक है ए जो अपना कुछ सामान जो है बेचने के लिए बी से जो है प्रपोजल कर रहा है ठीक है तो ए जो है बी से जो प्रपोजल कर रहा है तो ये प्रस्थापक हो गया ठीक है और ये प्रतिग्रहिता हो गई यानी कि अगर बी जो है एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वहाँ पे प्रतिग्रहिता हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे ए है ये जो भी चीज़ें कह रहा है जो भी कम्युनिकेशन कह रहा है वो तब कंप्लीट माने जाएंगी जो एक्सेप्टेंस यानी कि दे रहा है वो बी तो एक्सेप्टेंस दे रहा है बी के नॉलेज में आ जाए ठीक है यानी कि जो भी प्रपोजल कर रहा है ए यदि जो है जो एक्सेप्टेंस दे रहा है यानी कि बी एक्सेप्टेंस यहाँ पे दे रहा है उसके यदि नॉलेज में आ जाए तो माना जाएगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट है ठीक है तो यानी कि यहाँ पे एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि ये तब तक नहीं होगा अगर हम उसके नेगेटिव में देखें यानी कि तब तक जो कम्युनिकेशन कम्प्लीट नहीं मानी जाएंगी जब तक जो जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसके नॉलेज में ना आ जाए यानी कि जो व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे रहा है उसके नॉलेज में ना आ जाए ऐसे प्रपोजल ठीक है इसी बात से लेकर के जो है एक केस है काफ़ी लीडिंग केस है इम्पोर्टेंट केस है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं केस है लाल लालमन शुकड़ा शुक्ला वर्सेस गौरी देद का केस है तो इसमें क्या हुआ कि जो प्रतिवादी होता है उसका एक भतीजा जो है खो जाता है ठीक है प्रतिवादी का भतीजा जो है खो जाता है उसके तलाश में जो वो क्या करता है अपनी मुनीम को भेजता है मुनीम अभी उसकी तलाश में निकल जाता है उसके बाद जो है वो क्या करता है जो प्रतिवादी है वो जो है अपने भतीजे को खोज में जो है वो इनाम रख देता है और पर्चे बंटवा देता है वो पर्चे बंटवाता है कि पाँच सौ जो बंदा जो है उस बच्चे को उसके भतीजे को खोज के लेके आएगा उसे पाँच सौ का इनाम दिया जाएगा ठीक है बाद में क्या होता है कि मुनीम को जो है बच्चा मिल जाता है और वो लेकर आता है इसके बाद जो वो क्या करता है कि उसको प्रस्तावना के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ मुनीम के बच बच्च, जब बच्चा खोज लाया तब जा कर के जो मुनीम जो है ऐसे जो ऑफर है उसके बारे में जो है उनके ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो जो है अब वो डिमांड करने लगा कि भैया मैंने जो बच्चा खोज के लिए आया मुझे तो इनाम चाहिए भाई मैं भी इसका हकदार हूँ ठीक है लेकिन जो है ये कोशिश तो किया लेकिन उसमें असफल रहा ठीक है तो ये जो है मुनीम जो है क्या हुआ असफल रहा तो इसमें जो है क्या एक चीज सिद्धांत प्रतिपादित किया न्यायमूर्ति बनर्जी जो है उस जस्टिस बनर्जी जो है उन्होंने सिद्धांत एक प्रतिपादित किया कि केवल ऐसी संविदा का स्था जो आधार स्थापित किया जा सकता है यानी तब तक जो है संविदा स्थापित करने के लिए प्रस्तावना और प्रतिग्रहण दोनों चीज़ें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस याद रखिएगा कोई भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को इस्टब्लिश करने के लिए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए ठीक है और बिना प्रपोजल के और प्रपोजल प्लस नॉलेज हो किसके जो प्रतिग्रहिता है तभी एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा अन्यथा जो है ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा यानी कि ये चीज़ समझिए कि एक्सेप्टेंस तभी क्लियर होगा जब जो है उसके नॉलेज में आ जाए किसके नॉलेज में जो एक्सेप्टेंस दे रहा है ठीक है तो इतना चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए उसके बाद एक और चीज़ें यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है कि द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस कम्प्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजर वेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर वेन इट कम्स द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीटेड यानी कि अब यहाँ से थोड़ा सा समझिए कि ये कह रहा है कि प्रस्थापक के विरुद्ध यानी कि जो प्रपोजल कर रहा है उसके तरफ से कब संपूर्ण मानी जाएगी जब जिस जो भी कम्युनिकेशन का जो भी कम्युनिकेशन के आधार हैं ठीक है अगर प्रपोजल के नॉलेज में आ जाए यानी कि अगर ए से बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ए ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट है ए ने प्रपोजल किया बी को अब बी के नॉलेज में आ गया ठीक है तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये कंप्लीट माना जाएगा अगर ये बी इसको फिर भेजता है भाई कि हाँ ये मेरे नॉलेज में आ गया है हम खरीदेंगे या जो भी चीज़ें हैं तो ये प्रपोजर जो कर रहा है यानी कि जो प्रपोजल कर रहा है प्रपोजर उसके नॉलेज में आ जाएगा तो ये माना जाएगा कि वहाँ पे जो है ये कंप्लीट है लेकिन एक चीज़ समझिए यदि मान लीजिए कि ऐसी कोई प्रपोजल है ए के द्वारा जो इसके बी के नॉलेज में ही ना आए ठीक है चाहे कोई भी माध्यम हो तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर उसके शक्ति से बाहर है तो वहाँ पे जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा ठीक है प्रपोजल कंप्लीट नहीं माना जाएगा जैसे हमने अभी जो केस डिस्कस किया के है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस था ठीक है और उसके बाद जो है क्या होता है कि अब ये समझना जरूरी है कि प्रतिसंग्रहण की संसूचना क्या है यानी कि द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कम्प्लीटेड अगर मान लीजिए जो प्रपोजल है उसको जो रिवोक करना हो तो या ये क्या है तो यहाँ एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट यानी कि जो प्रपोजल किया है उन्हीं के विरुद्ध वेन वेन इट इज़ पुट इन टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू होम इट इज मेड so as to be out of the power of the person who makes it, as against the पर्सन it is made when it is uh, comes to the knowledge. यानी कि कहने का मतलब ये है कि revocation तब सम्पूर्ण माना जाएगा तब पूर्ण माना जाएगा कि जब जो व्यक्ति किया है यानी कि proposal कर रहा है वो एक्सेप्टर के द्वारा वो रिवोकेशन उसके नॉलेज में आ जाए तो ये माना जाएगा कि ये क्या है संसूचना जो है किसका प्रतिशंगण का रिवोकेशन का जो है कंप्लीट हो गया है ठीक है तो ये चीज़ समझिए यहाँ पे एक और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एलिस्ट्रेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं क्या इलिस्ट्रेशन जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो अपना घर जो है बी को बेचने के लिए प्रपोजल करता है मान लीजिए ये घर है वो बेचने के लिए बी को जो है प्रपोजल करता है ठीक है और ये जो कम्युनिकेशन है वो संपूर्ण हो जाती है जब वो क्या है एक पत्र के माध्यम से क्योंकि कम्युनिकेशन के आधार तो या तो डायरेक्ट किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं वे टू डायरेक्ट बातचीत करके भी कर सकते हैं या पत्राचार के माध्यम से भी तो ए जो है पत्र के माध्यम से बी के पास ये लेटर लिख करके भेजता है कि वो जो अपना घर जो है वो बेचना चाहता है या जो भी अमाउंट हो वो लिख करके भेज दिया तो यहाँ पे बी के पास जब ज्यों ही पत्र पहुँचेगा उस दौरान जो ये माना जाएगा कि कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है ठीक है ये चीज़ समझिए वहीं दूसरी तरफ क्या है कि अगर ये जो ए है प्रपोजल कर रहा है बी से ठीक है अब यहाँ पे प्रतिसंग्रहण की बात आई रिवोकेशन की बात आई ठीक है तो अगर मान लीजिए बी जो है कहता है कि नहीं मुझे नहीं करना है ठीक है ऐसा या तो ज्यों ही ये पत्र जो है क्या करता है क के विरुद्ध जो है डाक में डाल दिया तो माना जाएगा कि वो जो है संपूर्ण प्रतिसंग्रहण है यानी कि जो ही नॉलेज में आ जाएगा इसके ठीक है तो ये सीधे जो है यहाँ पे हैं ठीक है यानी कि जब भी जो है प्रस्ताव या जो संसूचनाए कम्युनिकेशन वो तब कंप्लीट मानी जाएगी जब उसके नॉलेज में आ जाएगी ठीक है उसी तरह से एक और लीडिंग केस है कालील वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी ये विज्ञापन द्वारा प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया था विज्ञापन द्वारा पूरे विश्व को किया जाता है किंतु प्रतिज्ञा तब हो जाती है जब निश्चित व्यक्ति को हो, या और भी कम्युनिकेशन के माध्यम हो सकते हैं टेलीफोन या, या टेलेक्स वगैरह के माध्यम से जो एक्सेप्टेंस हो सकते हैं यहाँ पे भी एक लीडिंग केसे भगवान दास गोवर्धन दास वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी ये सारे जो है इम्पोर्टेंट केसेस है जो पीटी में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे ये था कि टेलीफोन के माध्यम से जो है प्रतिग्रह प्रतिग्रहण किया गया था ठीक है तो ये कहा गया कि संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब उस प्रस्ताव जो प्रस्तावक है प्रस्तापक है उसे जो है वो प्राप्त कर लेता है या संविधा के निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पे वो प्रस्तापक प्रतिग्रहण की सूचना देता है तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे जो पॉइंट्स थे उन्होंने हमने जो है इस सेक्शन फोर में डिस्कस किया आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई आई होंगी यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच